अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो मैं आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप इजीली तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो समझ आ सके और आप एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकें और उसे टॉप रैंकिंग पे लेके आ सकें। तो सिंपली गाइज, मैं यहाँ से अपने गूगल क्रोम पे आता हूँ। क्रोम पे आने के बाद ये देखें, ये मुझे प्रीव्यू शो हो रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ से अपने यूट्यूब में जाता हूँ। यूट्यूब में जाने के बाद गाइज, यहाँ पे मेरा एक पहले से अकाउंट क्रिएट है, यूट्यूब चैनल मेरा पहले से भी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास अगर पहले ही सिस्टम में कोई जी मेल दी हुई है तो आपने यहाँ से स्विच अकाउंट कर लिया, ठीक है। तो आपने सिंपली सबसे पहले तो एक नई जी मेल ऐड करनी है अपने यूट्यूब चैनल में। अदरवाइज़ अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं बना हुआ तो आपने उसे ही यूअर चैनल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्विच अकाउंट पे। मैं यहाँ पे स्विच अकाउंट पे करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद ये देखें, ये मेरा पहले से जो मेरा चैनल है, ये मेरा अपना चैनल है। उसके बाद ये मैंने दूसरा भी बनाया था। उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ ऐड अकाउंट, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। फिर उसके बाद यहाँ से मुझे पूछा है साइन इन टू कंटिन्यू टू यूट्यूब। तो सिंपली मैं यहाँ से अपनी एक नई जीमेल देता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं अपना पासवर्ड देता हूँ, यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं नो थैंक्स पे करता हूँ, नॉट नो पे करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे फिलहाल यूट्यूब पे एक नया प्रीव्यू शो हो रहा है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक करने और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे शो हो रहा है यूअर चैनल का, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। और ये देखें, ये मेरा एक चैनल ऑटोमेटिक मेरी जी मेल से लिंक जो था वो क्रिएट हो चुका है। तो हमने ऐसे नहीं करना, सिंपली हमने आना है अपने कस्टमर चैनल पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें, हमें एक नया प्रीव्यू शो हो रहा है, कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है हमने। उसके बाद ये हमारा लेआउट, ये हमारा ब्रांडिंग, ये हमारा बेसिक है। तो मैं आप दोस्तों को फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम मैंने इस्तेमाल करना है वो क्या करना है, ब्रांडिंग, ठीक हो गया। ये हमारा जो प्रोफाइल फ़ोटो होती है ये आप देख सकते हैं, एक तो ये हो गई, ये हमारा बैक फ़ोटो होती है, बैकग्राउंड इमेज। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से बेसिक इन्फो पे क्लिक करता हूँ। बेसिक इन्फो पे क्लिक करने के बाद ये तो मेरे जीमेल के नाम पे था, असद मलिक मोबाइल। तो सिंपली मैं यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखूँगा जो मैंने लिखना है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ इस्लामिक टेक ऑफिशियल। आपने अपने चैनल के हिसाब से आपने मतलब जो भी जो चीज़ अपलोड करनी है वो आपने डिस्क्रिप्शन में लिख देनी है, ताकि आपका जो चैनल है उस चीज़ को डिस्क्राइब करे कि आपने उसमें कौन सी चीज़ डाली। तो बस सिंपली आपने ये करना है। उसके बाद अगर आपने कोई लैंग्वेज ऐड करनी है, मतलब कि उर्दू में आपका कोई चीज़, जैसा कि मैं उर्दू में अपना चैनल जो मैं आप अपनी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि किसी और मुल्क में वो आपकी आवाज़ तो आपकी उर्दू में होगी, मगर वॉइस ओवर जो हमारा सीसी लैंग्वेज है, नीचे ऐड जो हम लैंग्वेज करेंगे वो हमारी इंग्लिश में शो होनी चाहिए। तो अब यहाँ से अपनी लैंग्वेज को ईजीली से ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जैसे मेरा यूट्यूब चैनल दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं मुख्तलिप अपने और भी लिंक ऐड कर सकता हूँ, मतलब कि मेरा जो टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो इस तरह के मैं लिंक अपने यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कैसे ऐड करता हूँ आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से लिखता हूँ फेसबुक, ठीक है गाइस। यहाँ से मैं लिखता हूँ फेसबुक और यहाँ से उसका टाइटल देता हूँ। फेसबुक का मेरा जो मैंने टाइटल है वो है www.fb.com/ जो है मेरा वो है असद मलिक ऑफिशियल। इस तरीके से हमारा ये लिंक ऐड हो चुका है। आप इस तरीके से मजीद 5 लिंक को ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, चाहे यही आप दे सकें या किसी और का, किसी और कोई और हम अपना जीमेल आईडी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से देता हूँ अपना यही ईमेल एड्रेस, या फर्ज करें मैं यहाँ से ईमेल देता हूँ, ठीक है गाइस। इस तरीके से मैं अपना यहाँ पर ईमेल दूंगा। ये हमारा जो बेसिक इनको है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो मैंने बाद में ऐड करनी है या, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मतलब कि ये फिलहाल मैंने जो है 44 वर्ड्स लिखी हैं। आई थिंक आप 1000 वर्ड तक अपनी डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा ब्रांडिंग है आपने इस हवाले से। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, हमारा पिक्सल्स जो हो रहा है 99x99 पिक्सल्स या 4 MB और उससे कम की जो आपकी फ़ोटो है, प्रोफाइल फ़ोटो, वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से आपने जो आपका बैनर है, बैनर इमेज को आपने ये इसका पिक्सल्स भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है, आपने इस तरीके से इसकी फ़ोटो बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है गाइस। और उसके बाद ये एन इमेज दैट 150 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये क्या चीज़ है, तो मैं आप दोस्तों को इजीली और सिंपली तरीके से बता दूँ कि फर्ज करें मैं यहाँ से इसे आपको दोस्तों को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोटो शो हो रही है ये वाली एंड पे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे अपनी कोई भी फ़ोटो मतलब खुद भी आप एडिट करके बना के आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो के एंड में आप दोस्तों को शो हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा ब्रांडिंग है, ये बेसिक इनको तो मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद लेआउट, ब्रांडिंग, लेआउट, लेआउट में आपने क्या करना है, जब आपने कोई 5 से 10 या इससे मतलब मज़ीद ऊपर अगर कोई आप वीडियो अपलोड कर लेंगे, उसके बाद जो भी होगा मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि हम अपने चैनल पे कस्टमाइजेशन चैनल में अपने लेआउट को कैसे सेट कर सकते हैं। गाइस इस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ से उसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद तो गो टू चैनल, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्लामिक टेक ऑफिशियल, ठीक है। इस तरीके से आप आ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मुझे शो हो रहा है अपलोड वीडियो, तो आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुझे ऑप्शन शो हो रहा है क्रिएट का, आप यहाँ से भी अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, अपलोड करने के बाद मैं जस्ट आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड करना है। तो ये देखें यहाँ पे एक सिलेक्ट फाइल्स का ऑप्शन शो हो रहा है मुझे, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, तो फर्ज किया कि मैं कोई भी फोटोज़ वगैरह अपलोड करता हूँ, मैं यहाँ से एक वीडियो अपलोड करके आप दोस्तों को जस्ट आप जिस चीज़ का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे अपनी वीडियोज़ का टाइटल देना है जो आपकी YouTube चैनल पे शो होना चाहिए, और इसके अलावा आपने अपनी वीडियो को डिस्क्राइब करना है कि आपने उस वीडियो में क्या क्या मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है, आपने उस वीडियो में क्या क्या बयान किया हुआ है, तो उस हवाले से आपने उसके अलावा एक थंबनेल बनाना है, और इसके अलावा आपने इसको प्लेलिस्ट भी बुला लेनी है। यहाँ पे ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मोस्टली दोस्त यहाँ पे गलती भी करते हैं, वो क्या करते हैं कि यस इसमें फॉर किड्स, मतलब कि ये बच्चे भी सुन सकते हैं, ये करें कि इस ऑप्शन पे क्लिक करें नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, क्योंकि एक यूट्यूब ऑफिशियल है उसके अलावा एक यूट्यूब किड्स वाली है, अगर आप किड्स वाली करेंगे तो आपकी उस पर एड्स नहीं चलेंगे और इस हवाले से आपको अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं नीचे आता हूँ सी मोर पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे अपने वीडियोस के टैग डालने हैं कि किस हवाले से, जैसा कि यहाँ पे मुझे शो हो रहा है ऑनलाइन डाटा एंट्री, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपने टैग के हवाले से बताने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन डाटा एंट्री, ठीक है, ऑनलाइन डाटा एंट्री, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। इस तरह के आपने टैग देने हैं, 500 तक के टैग होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको वीडियो लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई मसला नहीं। इसके अलावा आपने यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, आपने यहाँ पे पीपल एंड ब्लॉग्स है, अब जिस टॉपिक के हवाले से वीडियो बनाना चाहते हैं, जो वीडियो डालते हैं, अब वही कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लें, टेक्नोलॉजी पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद ये हमारी कैटेगरी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखें शो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, मतलब कि जब आपकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है तो आप देखना चाहते हैं कि कितने बंदों ने आपकी वीडियो को लाइक किया या नहीं, ठीक है। ये हमारी डिटेल थी हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे ऐड टाइटल दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, कर दिया मैं अभी, तो मैं जस्ट आप दोस्तों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। हमें यहाँ से मैं इसका ये थंबनेल देता हूँ, मतलब कि ये मुझे प्यारा सा प्यारी सी वीडियो नज़र आनी चाहिए, तो ये हमारी डिटेल कम्प्लीट हो गई। नेक्स्ट में आता हूँ वीडियो एलिमेंट्स पे, वीडियो एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे हमारा एड सूटेबिलिटी, ये तो कुछ भी नहीं है, एंड स्क्रीन आपने फिलहाल इसको भी कुछ नहीं करना जी। इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वीडियो एलिमेंट्स क्या चीज़ हैं और इन्हें किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऐड कार्ड हम वीडियो पे कार्ड को कैसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चेक्स, वो मुझसे कॉपीराइट इशू, मतलब कि बाज़ अगर हम किसी भी बंदे की वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ पे इशू फाउंड हो जाएगा, यहाँ पे रेड शो हो जाएगा, यहाँ पे भी क्रॉस का ऑप्शन शो हो जाएगा, ये हमें ग्रीन शो नहीं है, ठीक है गाइस, यहाँ पे ग्रीन शो नहीं होगा, यहाँ पे हमें रेड ऑप्शन शो होगा, यहाँ भी रेड ऑप्शन शो होगा, वहाँ पे लिखा होगा वन इशू फाउंड। फिलहाल तो कोई कॉपीराइट, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद आपने जब वीडियो अपलोड करनी है तो फिलहाल ये देखें सेव या पब्लिश प्राइवेट अनलिस्टेड पब्लिक, तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट अपनी वीडियो को पब्लिक पे रख के आपने अपनी वीडियो को पब्लिश कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी वीडियो को पब्लिश करेंगे आपकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। मैं तो जस्ट आप दोस्तों को समझाने के लिए ऐसा करूँ, मगर मैं फिलहाल ऐसा नहीं करूँगा, मैं जस्ट करूँगा अनलिस्टेड, मतलब कि फिलहाल ये वीडियो सिर्फ मैं ही देख सकूँगा, मेरे अलावा ये वीडियो कोई भी नहीं देख सकता,
ठीक है, या वो बंदे जिन्हें मैंने ये लिंक सेंड किया जस्ट वो बंदे देख सकते हैं, अदरवाइज मेरी वीडियो को कोई भी नहीं देख सकता। अगर आप YouTube पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो को पब्लिक पे करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो मज़ीद कुछ मामलात मैंने पीछे छोड़ दिए हैं वीडियो एलिमेंट्स के हवाले से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आप दोस्तों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।